तो इसीलिए जब गैप बहुत कम होता है तो एक्सीडेंट होते हैं फिर बिकॉज़ द रिएक्शन टाइम वो डिपेंड भी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल किसी का रिएक्शन टाइम कम भी हो सकता है क्लियर तो ये ये सॉल्ड एक्सप्लेनेशन एग्जांपल है इनफैक्ट 3.8 सॉल्व एग्जांपल दे हैव कैलकुलेटेड नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये होमवर्क में क्वेश्चन है तुम्हारे लिए प्रूव दैट

अच्छा फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन टेन सेकंड होगा तो तब कौन सा फार्मूला लगेगा कार इज स्टार्टिंग फ्रॉम लेस्ट गोइंग एट सम फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन सेकंड तब तो अपना फॉर्मूला एसॉर्ड यू टी प्लस हाफ ए टी स्क् लग जाएगा बट टेंकेंड और नाइन्थ सेकेंड और इलेवेंथ सेकेंड और फर्स्ट सेकेंड देर इज नो फार्मूला गिवेन इन एनसीआर बुक बट एज ए क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू की हाउ टू गेट दैट रिलेशन ये क्वेश्चन है मेरा विच वी आर टीचिंग इन नाइन्थ उनको भी कराते हैं कि भाई फाइंड आउट करो तो ये कैसे करेंगे टेंथ सेकंड कौन सा होगा लेट अस डिस्कस विच वन इज द फर्स्ट सेकेंड देखो जीरो से वन सेकेंड इज द फर्स्ट सेकेंड वन टू टू सेकेंड इज द सेकेंड सेकेंड एन एच सेकंड कौन सा होगा एन माइनस वन से एन सेकंड जीरो सेकंड को सेकंड सेकंड मीन एन माइनस वन से टेंथ सेकंड मीन नाइन टू टेन वाला इलेवन मीन टेन टू इलेवन सेकेंड वाला है इसीलिए एनएच सेकंड मीन एन माइनस वन सपोज मैंने बोला टेंथ सेकंड कौन सा ओके सेकंड कौन सा से है टेन और उससे पहले वाला नाइन तो नाइन टू टेन सेकंड वाले को जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको टेंथ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट तो सेकंड एन और उससे पहले वाला एन माइनस तो क्या करना है ये फार्मूला यूज करके एन सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और सेम फार्मूला यूज करके सेम फार्मूला यूज करके ओके okay. सेम फार्मूला यूज करके एन माइनस वन सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो और दोनों को माइनस कर दो दो एक एक को को ले लो माइनस कर सॉल्व करके ये आंसर आना चाहिए यू ट्राई इट कैन बी क्वेश्चन आल्सो एंड इस पे नोवेकल भी पर्टिकुलरली uh, कुछ क्वेश्चन इस पे आते हैं हो सकता है क्लास में भी तुम लोग को डेरिवेशन कराया जाइए बट इट इज अपार्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन है एन बुक के थर्ड इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन से डिराइव किया जाता है ये तो ट्राई करो इसको हम लोग परसों करेंगे यू इज़ द इनिशियल स्पीड एक्सलेशन यूनिफॉर्म एक्सलेशन एंड एन इट कैन बी फर्स्ट सेकंड के लिए एन वन पुट करेंगे एक पर्टिकुलर सेकंड का वो डिस्प्लेसमेंट है वन सेकंड का बीच का कोई सेकंड इज मीनिंग तो एज ए क्वेश्चन इट कैन बी आस्क और इस पर नुमे कल तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं इफ यू रिमेम्बर द फार्मूला अदरवाइज यू गो बैक टू बेसिक आई होप के कुछ पॉइंट समझ में आए इसकी थिंक अबाउट दिस थिंक अबाउट दिस यू विल गेट दिस ठीक है तो इसका डेरिवेशन अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसपे बेस क्वेश्चन है फिर ये बेस क्वेश्चन कल करेंगे इसको मैं। आई जस्ट कल डेरिवेशन करने के बाद ये क्वेश्चन करेंगे टेन्थ सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टेंथ सेकंड में निकालना है so Now, उसी पे बेस ये भी है उस पे बेस्ट गैल लॉ ऑफ ऑड नंबर है उन्होंने यही ये, ये जो ऊपर हमने क्वेश्चन दिया वैसे ही डिराइव किया ऑड नंबर्स का तो ये भी आफ्टर यू गेट द डेरिवेशन देन वी आर गोइंग टू डिस्कस गैलीलियोस लॉ ऑफ ऑड नंबर्स मतलब ईच सेकंड में रेशियो जो है डिस्प्लेसमेंट का ऑड नंबर आता है फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड सेकंड थर्ड सेकंड रेशियो 1:3:5:7 वही इक्वेशन यूज करके फ्रीली फॉलिंग बॉडी का तो ये आ जाएगा ठीक है तो नाउ रिलेटिव वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मोशन रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन मोशन तो रिलेटिव वेलोसिटी का एग्जांपल जो है मतलब जैसे सपोज ट्रेन में हम लोग देखते हैं सपोज यू आर इन वन ट्रेन एंड अदर ट्रेन कभी कभी अदर ट्रेन मूव करती है तो वॉट यू फील की योर ट्रेन इज मूविंग अगर तुमने ट्रेन में जर्नी की हो तो यू मस्ट कम रेलवे स्टेशन पर ऐसा लगता है अपनी ट्रेन चलने लगी या फिर बोथ द आर मूविंग टूगेदर तो इन सेम पहले ट्रैक तो ऐसा लगता है कि रेस्ट पर है तो रिलेटिव ऑब्जर्वर सीन दट इज कॉल्ड द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम द अदर

जैसे एनसीआर बुक में कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल है, है ना? ये is, ये चाइल्ड इज़ मूविंग मूविंग बेल्ट बेल्ट है, और पे उसके फादर एंड मदर तो चाइल्ड इज़ मूविंग लाइक दिस इनको कैसा दिखेगा कैसा दिखेगा है ना इफ इफ व्हाट इज डिफरेंट बट विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट्स इट विलेटिव करेंगे उसमें से कम्बशन गैसेज बैक जा रही है प्लेन के रिस्पेक्ट में इतनी स्पीड से ग्राउंड से कितनी दिखेंगी है सम ऑफ दुलिसमैन Moving on highway and changing the thief car, दोनों मूव कर रहे हैं बुलेट फायर कर रहे हैं तो कितनी स्पीड से बुलेट जाके लगेगी इट विलेटिविटी तो एग्जाम्पल तो, मैंने ट्रेन का तुम्हें दिया है नाव कैसे कैलकुलेशन करते हैं न? तो रिलेटिविटी ऑफ टू ट्रेन

तो एज, ए ए जो है ए में जो ऑब्जर्वर है वो बी की ट्रेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो कितनी बताएंगे वो वाट इज द फॉर्मूला तो ट्रे, ट्रेन ट्रेन बी एज द वेलोसिटी ओके यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर से लिख रहा हूं ओके okay, यहाँ पे मैं जस्ट आई एम राइटिंग अ फ्रेश जस्ट आई एम कटिंग एवरीथिंग तो वी आर वी आर

मतलब एक की वेलोसिटी माइनस करनी पड़ेगी जो ट्रेन में ट्रेन में जो ट्रेन ए में पैसेंजर्स हैं वो माइनस करनी पड़ती है साइन के साथ प्रॉपर साइन के साथ फार्मूला में माइनस है फिर वहां पर भी कुछ माइनस आ सकता है ये भी माइनस हो सकती प्लस भी हो सकती है बट फार्मूला ये रहेगा अगर ए रेस्ट पर है ग्राउंड में ट्रेन ए रुकी हुई है तो वेलोसिटी ऑफ बी एज सीन बाई एल बी 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 ओनली जितनी स्पीड से चल रही है वो उतनी ए वाल पैसेंजर साफ ए को दिखेगी ए अगर रुके हुए अगर ए ट्रेन ए चल रही है तब उसको डिफरेंट दिखेगी ग्राउंड से जो है उससे अलग दिखती है तो देखो दिस मेन पॉइंट लेट मी लेट मी लाइटेड वेलासिटी ऑफ बी ये याद रखना है हमें बस दिस मच इज द की पॉइंट वेलासिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और प्रॉपर लिख रहा हूँ इसका मतलब लाइक दिसन बाई बी बी ए विच इक्वल बी बी माइनस ए, ये फॉर्मूला होता है ठीक है सिमिलरली अदर वे राउंड भी हो सकता है इट कैन बी अदर वे राउंड ऑल्सो सिमिलरली ये दूसरा फार्मूला क्या बनेगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अभी बी वाले ए को देख रहे हैं तो क्या आएगा फॉर्मूला? वी VA, ए वी ए बी

और वेलोसिटी ऑफ ए वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए एस सीन बाय बी दैट इज विद रिस्पेक्ट टू बी बी ए बी जो पहले आया उसको पहले इधर भी पहले माइनस करना है इसको है ना माइनस ये ये फार्मूला होता है इसका वी आर टू राइट माइनस ठीक है तो इसी से अगर हमें वैल्यूज दी हैं तो वील पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला बट वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ए की डायरेक्शन अगर हमने पॉजिटिव ले ए इज़ गोइंग दिस साइड बी इज़ आल्सो गोइंग दिस साइड, तो वो भी पॉजिटिव होगी बट बी इज़ गोइंग अपोजिट साइड तो उसकी वेलास्टी एक यहाँ पे के साथ पुट करना पड़ेगा हमें तो वी हैव टू बी केयरफुल इसमें पुट पुट वैल्यू ऑफ ए वैल्यू ऑफ वी ए एंड वी बी with proper direction with proper sign depending on direction depending on direction dono ek hi direction mein ja rahi hai to dono plus हो जाएंगी. opposite जा रही hai एक plus एक minus depending on directions opposite जा रही hai both are moving up

तो लेट्स सी कौन से क्वेश्चन है इसके केसेस दिए हैं कुछ एनसीईआरटी बुक में लेट अस डिस्कस दैट सम स्पेशल केसेस केस 1 इफ वीए इज इक्वल टू वीबी दोनों एक दोनों इक्वल है देन वीबीए विल बी जीरो वीएबी विल बी जीरो दोनों जीरो हो जाएंगे दोनों इक्वल हैं कैंसिल हो जाएंगे बोथ आर इक्वल टू जीरो इनका ग्राफ कैसा आएगा ऐसा पैरेलल लाइंस आती है दोनों एक ही दोनों एक ही स्पीड से एक साथ चल रहे तो लाइन ओवरलैप हो जाएंगी बट अगर सपोज एक की इनिशियल पोजिशन यहाँ है एक की यहाँ है तो पहले लाइन केस वन बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी विद द सेम वेलोसिटी द ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ विल बी पैरल सपोज वी इज मूविंग फास्टर वी फास्टर तो इसका स्लोप ज्यादा होगा और ये ये ए ए उसको ओवरटेक करके आगे निकल जाएगा है ना कार सपोज ए पीछे से आ रही है उसने थोड़ा पीछे से स्टार्ट किया बी आगे से तो थोड़ी देर के बाद आगे निकल जाएगी पे पॉइंट ऑफ ओवरटेक सपोज वी एंड वी इन डायरेक्शन एक इधर जा रही एक इधर जा रही है

शॉर्ट नोट लिखना है तो यू कैन जस्ट राइट कवर ऑल दिस पॉइंट्स जो मैं अभी से जनरली नो मेकर्स आते हैं तो नो लिखो तो दिस इज व्हाट इज़ कांसेप्ट ऑफ रिलेटिविटी की पॉइंट क्या है इनका फार्मूला याद रखना है माइनस आता है इसमें जो बाद में आता है वो ऑब्जर्वर होता है जो बाद में सिंबल आया दैट वो ऑब्जर्वर है उस

तो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कभी कभी होता है इसमें बट टू जस्ट बुक क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस आएगा देखो पहले सोल्व ले एग्जाम्पल लेते हैं उसके पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे टू पैरेलल ट्रैक्स रन नॉर्थ साउथ ठीक है नॉर्थ साउथ में रन कर रहे हैं वो ओके okay. तो लेट सी ओके इसमें बाद में आते हैं जस्ट लेट अस सी दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन पहले करते हैं

अच्छा यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ मैं अलग से लिखती हूँ कर लेते हैं इसमें नाइन किलोमीटर पर आवर विद रिस्पेक्ट टू द बेल्ट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं में। है बेल्ट के रिस्पेक्ट में ठीक है बिटवीन बिटवीन इज फादर एंड मदर लोकेटेड फिफ्टी मीटर अपार्ट इनका डिस्टेंस फिफ्टी मीटर है

आप जरूर एक तो इसको बिना फार्मूले के हम डायरेक्ट कर सकते हैं इसको क्या होगा कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं देखो तो फार्मूले से हम देखते हैं बाद में ये इधर जा रहा है और ये भी इधर ही जा रहा है कितनी स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट नाइन तो इसको क्या ये ये भी बेल्ट के रिस्पेक्ट से भाग रहा है बेल्ट के रिस्पेक्ट से नाइन और ये भी इधर है ना तो थर्टीन दिखेगा इसको लेट सी हमें ग्राउंड के ये ग्राउंड में खड़ा है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए तो ओके okay, यहाँ से अभी जो हमने फार्मूला सीखा उससे करते हैं वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट ठीक है विच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ठीक है देखो फिर से देखते हैं ओके okay. यहाँ पे पूरा लिख लेते हैं चलो जस्ट लेट मी राइट इट लेट वी सी द वेलास्टी ऑफ चाइल्ड वेलास्टी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कभी कभी यहाँ पे ऐसे भी लिख देते हैं वी वी सीजी भी लिखते हैं बुक्स में कहीं okay. तो ग्राउंड उसका मतलब ग्राउंड होता है बट वी आर जस्ट नॉट इंक्रीजिंग सबस्क्रिप्ट थोड़ा सिंपल लगते हैं और वी बी डी ऑफ बेल्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड और ग्राउंड में ऑब्जर्वर है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आएगी वही ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में आएगी आप जरा ग्राउंड में खड़ा है तो वो आंसर अपने आप आ जाएगा फिर देखो और वी बी ओके किसकी दी है चाइल्ड की दी दिए वी अच्छा कुछ दिया वैल्यू भी लिखते जाए हम लोग चाइल्ड की तो हमें निकालनी है बेल्ट की कितनी दी है फोर किलोमीटर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फोर किलोमीटर चल रही है ऑलराइट नाउ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू बेल्ड वेलास्टी ऑफ चाइल्ड कितनी दिए नाइन okay. तो वी सी माइनस बी बी इज इक्वल टू नाइन इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी हमने जो पहले आया वो लिखा बाद में आया उसको लिखा और ये नाइन तो हमें निकालनी क्या है वी सी वीसी को एडिटेड लिख दिया बेल्ट की कितनी है फोर फुट कर दी ये 9. तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड इज नाइन प्लस फोर करो थर्टीन किलोमीटर पर आवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थर्टीन दिख रही है ग्राउंड पे ये खड़ा हुआ है ऑब्जर्वर उसको भी थर्टीन दिखेगी कभी कभी इतना न लिख के हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं ये से आगे जा रहा है बेल्ट भी आगे जा रही प्लस से आगे बढ़ रहा है, ट्रेन में भी है। ट्रेन से टेन किलोमीटर पर मैं जा सो वॉकिंग इन फ्रंट फॉरवर्ड डायरेक्शन टेन किलोमीटर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो ट्वेंटी किलोमीटर से आगे जाएगा ग्राउंड से कोई उसको देख रहा है तो फास्ट जाता हुआ आगे देखेगा अपोजिट होता तो नाइन में से माइनस फोर हो जाता तो इसको इधर फाइव से जाता वो दिखता पीछे ठीक है ये कौन सा पार्ट हो गया ए पार्ट बी the speed of child running opposite to the direction of motion of belt ठीक है तो इसको देखो अपोजिट में जाएगा तो क्या आएगा बोलो तो वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड को नेगेटिव में लेंगे हां स्पीड बोला है माइनस में आएगा बट स्पीड बोला है तो बाद में प्लस लिख देंगे यहीं पे लिख देते हैं इसी यही फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें हां ठीक तो है पहले तो हम वेलोसिटी के टर्म में निकालते हैं बाद में उसका माइनस बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटीज है हमें वेक्टर ही डेल करना है देखो अपोजिट है स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बेल्ट तो सेकंड केस में फिर से वीसी निकालना है अभी उसकी स्पीड कितनी दी है वेलास वी सी किलोमीटर अगर हमने हमने अगर बेल्ट की ली लिया इधर प्लस तो ये माइनस लेना पड़ेगा अपोजिट इधर आया प्लस लिया तो ये माइनस रनिंग अपोजिट दिया सर अगर उसको प्लस लेंगे तो फिर बेल्ट की नेगेटिव लेना पड़ेगा ना हाँ बेल्ट की नेगेटिव मैंने बताया ना अपोजिट है तो एक प्लस एक माइनस तो हम बेल्ट को बेल्ट राइट में जा रही उसको प्लस ही रखते ठीक है? फिर से वही VCB वी बी VC तो वी सीबी इज नाइन माइनस नाइन वी सी एम निकालना है और बेल्ट इज फोर तो वी सी इज इक्वल टू माइनस नाइन प्लस फोर फाइव per hour, ठीक है इसमें एक और पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं देखो जस्ट वन मोर पॉइंट आई टू टेल यू देखो वन मोर पॉइंट वी कैन जस्ट डिस्कस इसी में वी टू राइट यहाँ से क्लियर है तो वो फाइव में उसको जो है ऑब्जर्वर को दैट विल अपियर टू बी गोइंग बैकवर्ड फाइव एक्चुअल में बेल्ट के रिस्पेक्ट में भाग रहा है वो थर्टीन से बट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में फाइव से जा रहे इसको ऐसा करते चलो देखो एक और इंटरेस्टिंग केस ले लेते हैं ये चाइल्ड इधर फोर किलोमीटर बेल्ट के रिस्पेक्ट में फोर से भाग रहा है तो क्या आंसर आएगा ये फोर हो जाएगा माइनस फोर प्लस फोर जीरो तो इसको वो अपनी जगह आप जरूरत को अपनी जगह खड़े देंगे भाग तो रहा है पीछे लेकिन उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही जैसे उसमें है ना जो अपनी जो बेल्ट अपनी जो वो होती है एक्सरसाइज के लिए क्या बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं एक्सरसाइज के लिए ट्रेडमिल 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 में वही होता है ना जितनी जितनी स्पीड से बेल्ट उधर जा रही है तुम्हें दूसरी तरफ भागना पड़ता है अदरवाइज डाउन ज्यादा भागे तो आगे जाके टकरा जाएंगे तो अब तुम्हें अगर ग्राउंड से देखेगा अगर सपोज तुम्हारे हाइड को, को कर दिया जाए वो तो बोलेगाइ तो तो जितनी स्पीड से ट्रेड मिल जा रही है उतनी स्पीड से तुम अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे इसीलिए ग्राउंड से ऑब्जर्वर जो देखेगा ही विल फील एज एंड क्लियर तो ये रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है इसमें बी पार्ट हो गया सी टाइम टेकन बाई चाइल्ड इन ए एंड बी एक मिनट क्या करना था इसमें और कुछ निकालना था क्या स्पीड निकाल ली और स्पीड ऑफ चाइल्ड रनिंग ओके थर्ड केस में टाइम टेकन बाय चाइल्ड इन ए एंड बी थ्री वन टू गो फ्रॉम ईयर टू इयर क्या है ऊपर देखते हैं हाँ बिटवीन फादर एंड मदर तो यहां से यहां तक तो अभी हो क्या रहा है इसमें ऑल आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन तो इट इज एज गुड एज ग्राउंड ग्राउंड जो है अर्थ जो है वो भी तो रोटेट करती है लेकिन क्या होता है एवरीबडी इज रोटेटिंग उसके हिसाब से ये रेस्ट करोगे ये भी रेस्ट ये भी इसका जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट है तो इसमें क्या होगा इसमें हमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितना है फिफ्टी और उसकी स्पीड कितनी है कितनी नाइन दी थी ना नाइन इंटू फाइव बाई एटीन तो ये टू हो गया तो ये 10 2, 20 उसको ट्वेंटी लगेंगे यहां से आने में वापस जाने में भी ट्वेंटी लगेंगे बिकॉज ऑल आर मूविंग सबको ये भी ये भी मतलब बेल्ट बेल्ट का इफेक्ट सब में ट्रांसफर हो रहा है इट इज इक्वेल टू द ऑन बींग ऑन द ग्राउंड इक्वेलन टू बींग ऑन द ग्राउंड ग्राउंड भी तो रोटेट कर भी तो रोटेट करती है ट्वेंटी फोर आवर्स में तो उसमें क्या है ये भी रेस्ट हो गया ये भी रेस्ट हो गया ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में भाग रहा है तो उसको उसके लिए डिस्टेंस ये ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही और उसी के रिस्पेक्ट में भाग रहा है वो है ना तो वही हमने स्पीड ली है ठीक है 20 तो सेकंड इन बोथ द केसेस इन बोथ केसेस ठीक है तो ये वाला क्वेश्चन था एक दो क्वेश्चन और हमें करने चाहिए एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन बहुत एक ये मैं करा सकता थोड़ा सा जस्ट टू मिनट्स में और यू कैन जस्ट ट्राई योरसेल्फ एंड तो टुमारो वी कैन डिस्कस डे आफ्टर टुमारो 3.7 3.5 सॉरी और ये वाला 3.18 ये पूछे जा सकते हैं दोनों रिलेटिव दिस बोथ यू ट्राई

ये देखना है हमें ये क्वेश्चन है होमवर्क में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर इट इज नॉट द डिस्टेंस डिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते कर सकते हैं लेकिन उसको नहीं यूज ही नहीं कर सकते अगर डायरेक्शन चेंज हो गई बीच में डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम आता है दिस पॉइंट आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास बट डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन सेकेंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट नॉट द डिस्टेंस है ना कीप इट इन माइंड

क्या है रिटार है अपोजिट मोर द ब्रेक इफेक्टिव ब्रेक लेस इधर स्टॉपिंग डिस्टेंस पुराने ब्रेक हो जाते हैं तो कम लगते हैं तो आगे जाके गाड़ी रुकती काफी है ना उसको बीच में सर्विसिंग करानी पड़ती ठीक है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ये ग्राफ में पेंडिंग है ये होमवर्क वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द ऑब्जेक्ट थ्रोन अप टिल इट कम्स बैक टू द ग्राउंड ये दोनों सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर कुछ बोल नहीं लगता बोल रहे थे थोड़ा में